तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ तरबूज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कैसे बनाएं और अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र बनके तैयार होता है हमारे पौधों के लिए। इससे पौधे बहुत ही ज़्यादा हरे भरे रहते हैं। तो लेट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जो है, हमें जो खाने के बाद इसका छिलका बचता है उसको लेना है और सिंपली जो है हमें पानी में डाल देना है, 8 लीटर 9 लीटर जितने भी क्वांटिटी में आपको बनाना है। इससे हमारे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा रेशियो कम और ज़्यादा हो जाने पे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पानी में डालना है और इसे पूरी रात ऐसे ही छोड़ देना है, कम से कम 48 घंटे के लिए। और 48 घंटे रखना ज़रूरी है, नहीं तो कम से कम 24 घंटे के लिए तो ज़रूर रखिएगा, ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाए, तभी ये पौधे में हमारे बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो जो है तरबूज में हर एक छिलके में जितने भी हमारे किचन वेस्ट होते हैं सब में कुछ ना कुछ पाया जाता है, तो उसे जो है कभी कभी हमें चेंज करके अपने पौधे में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से तरबूज में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे कि हमारे पौधे हरे भरे हेल्दी रहते हैं। आप इसका इस्तेमाल फूल वाले, फल वाले, इंडोर आउटडोर सभी पौधों में कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। इसे डायल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे डाल सकते हैं, पानी मिला के भी डाल सकते हैं, बिना मिलाए भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट सभी पौधे में जितने भी आपके पास प्लांट है सब में डाल सकते हैं। रेशियो कम और ज़्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर के चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ कोई भी फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में जल्दी नुकसान नहीं करता है। कुछ ही चीज़ें जो होती हैं कि उनको परफेक्ट रेशियो में बनाना होता है। तो इस तरीके से जो है आप भी एक बार इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर बनाइएगा और अपने पौधों में जो है इस्तेमाल करिएगा। वैसे भी जो है हम खाने के बाद इसे फेंक ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।